बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से के सामने सॉल्व करूंगी। ये भी हमारे पास एक डिटेल क्वेश्चन है, बेसिकली इस एक्सरसाइज से हमारे पास डिटेल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कर्व्स। एंगल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को स्लोप्स चाहिए यानी एम वन एम टू। और स्लोप्स किस तरीके से निकलती हैं, इक्वेशंस का डिफरेंशिएट करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास एम के बराबर होता है, मतलब स्लोप्स वहाँ से निकलेंगी। और सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी करूँगी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स, इन दो इक्वेशंस को पहले तो मैं इसको ये फ्रैक्शन में इसको मैं लीनियर फॉर्म में करूँगी, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालूंगी। जब एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन फिर हम लोग इनको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और देन स्लोप्स निकलेंगी, फिर टेंजेंट टेंजेंट का फॉर्मूला लेके उसमें एंगल्स निकलेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं उन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ जो है मैं मेंशन करूं कि जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने जो है कौन सा ये वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने M1 और इसको M2 दिया था, और इसी तरह मैं इस वाले जो इक्वेशन है इसको इसकी लाइन इससे जो स्लोप निकलेगा उसको M1 कहूँगी, और जो इससे स्लोप निकलेगा उसको M2 कहूँगी। आप लोग कोशिश करना कि आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करें, मतलब जो दूसरी इक्वेशन है उसको M1 कह दें, और जो पहली वाली होगी उसको उससे जो स्लोप निकलेगा उसको M2 कह देना। ये इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अदर केस यानी इसको M1 और इसको M2 कर देंगे तो फिर हम लोग के पास टेंजेंट में अक्सर एंगल नेगेटिव आ रहा होता है, जो थोड़ा मसला करता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, एक तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इक्वल्स टू वन, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मैं डिनोमिनेटर चेंज कर दूँ और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी, और ये वाली इक्वेशन मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन एटी, ठीक है। मेरे पास ये एक आ गई इक्वेशन ए, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन बी कह दिया। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये भी मेरे पास एक्स है, ये भी फाइव है एक्स स्क्वायर है, ये भी फाइव एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दूँ मेरे पास एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई, मतलब मैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन एटी, ठीक है। और ये मैंने इसके साथ इसको फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा रही हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास ये, और ये मेरे पास क्या हो गया वन एटी माइनस ट्वेंटी हमारे पास आ गया वन सिक्सटी। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थर्टी है, ट्वेंटी नहीं थर्टी है, तो ये भी थर्टी होगा, वन एटी माइनस थर्टी हमारे पास क्या हो जाएगा वन फिफ्टी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें से अगर वाई की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, और जब मैं इसको इसमें से इसका स्क्वायर रूट लूँगी ताकि वाई की वैल्यू आए, तो जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस मेरे पास इसका क्या आ जाएगा फाइव अपॉन टू। तो वाई की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, ये निकाल ली। अब इस वाई की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दूंगी। मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन ए के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन ए के अंदर जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई, वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ट्वेंटी फाइव अपॉन टू पुट कर देंगे, इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन टू इक्वल्स टू थर्टी। इसको यहाँ तक आप लोग इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली हूँ जो कि हमारे पास ट्वेंटी सेवन अपॉन टू है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ट्वेंटी सेवन को अंडर रूट में करें तो आपके पास क्या आ जाता है थ्री अंडर रूट थ्री आ जाता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू। तो इस तरह यानी पहले तो हम लोगों ने क्या किया एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकाले, तो कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गए प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू आ गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस फाइव अपॉन टू आ गया।
सही है। अब ये मैंने जब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालिए, अब मैं क्या काम करूँगी, इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करूँगी। इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करने के बाद पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, उसके इससे जो स्लोप निकलेगा इसको एम वन कह देंगे, और इसको डिफरेंशिएट करके इससे जो स्लोप निकलेगा इसको एम टू कह देंगे। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, इस वाली कोई दूसरी इक्वेशन जो बनेगी उसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, बाद में इस वाली को करेंगे। अच्छा डिफरेंशिएटिंग बी, पहले हम लोग बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस 18y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होता है। ठीक है अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, 18y डी वाई बाय, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, तो मुझे इसको सेपरेट करना है। इक्वल्स टू माइनस 10x डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, माइनस 10x अपॉन 18y डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास किसके इक्वल हो गया, माइनस 5x अपॉन 9y। ठीक है एक तो मैंने ये कर दिया, अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, स्लोप के, और क्योंकि मैंने ये क्या इस इक्वेशन को आप b कह रहे हैं, इसको हम लोग इसके स्लोप को 1 कह देते हैं, m1 कह देते हैं। ठीक है तो मैंने कह दिया m1 कह दिया, एम वाई वन मेरे पास क्या आ गया, माइनस 5x अपॉन 9y। अब जो मेरे पास पहले मैं स्लोप्स निकाल लेती हूँ उसके बाद पॉइंट्स में पुट कर दूंगी इसको, इसको हम लोग एक और नियम दे देते हैं, इसको 1 कह दिया मैंने। अब इसी तरह मैं 2 को डिफरेंशिएट करूँगी, अब सॉरी इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करूँगी। जब मैं इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस 10x माइनस 3 टू 6y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 30, हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ज़ीरो आ गया। तो 10x हमारे पास किसके हुआ, 6y डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 10 अपॉन सॉरी 10x है, 10x अपॉन 6y मेरे पास किसके इक्वल हो गया, डी वाई बाय डी एक्स के। तो इसको इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैंने m1 कहा था, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। m2 मेरे पास किसके इक्वल हो जाए, 5x अपॉन 3y। ठीक है मैंने दो स्लोप्स निकाल लिए। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ ये करना होगा कि एक तो m1 और m2 की वैल्यू किस तरह निकालूंगी, जो मैंने x और y की जब मैंने शुरू में x दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाली थी वो मैं इसके अंदर पुट करूंगी, इसके अंदर पुट करके फिर मैं फार्मूला के अंदर पुट करूंगी। तो ये वाली साइड का अब हमारा कोई काम नहीं है, इस वाली साइड को मैं रख रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, हमारे पास x और y की जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो क्या आए थे, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 बाई 2 आया था, और दूसरा क्या आया था, प्लस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट थे। हम लोग नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट्स को अक्सर नहीं पुट करते, टेंजेंट के एंगल में मसला करता है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को पुट करी हूँ तो मेरे पास m1 क्या हो जाएगा, ठीक है माइनस 5, एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया, 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 9 y से, y मेरे पास क्या है, 5 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा एक और चीज़ ये भी कि यहाँ पे ये हमारे पास अंडर रूट 2 है, ठीक है ये भी मेरे पास अंडर रूट 2 है। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रही हूँगी तो मेरे पास ये रूट 2 रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जाए 3 3 जाए 9, यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये मैंने m1 की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह अगर मैं m2 की वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरे पास किस तरीके से आ जाएगी, m2 मेरे पास हो जाएगा 5x अपॉन 3y है, ठीक है 5x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 रूट 3 अपॉन 2 3 रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 3y, y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट टू अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, और मेरे पास 5 5 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया मेरे पास, अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है अब हम लोगों के पास कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें टेंजेंट के फॉर्मूले में इसको पुट करना है। टेंजेंट के फॉर्मूले में जब हम लोग इसको पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है m2 मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 माइनस
ये डायरेक्ट बल्कि इसको मैं प्लस कर दी, ये माइनस है ये माइनस है, इसको डायरेक्ट प्लस कर दिया मैंने, अंडर रूट 3/3 अपॉन 1 प्लस एम वन की जगह हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट 3/3, और एम टू की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, अब वन थिंग टू नोट इज़ ये चीज़ ये है कि डिनोमिनेटर आप लोग का ज़ीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर ज़ीरो किस तरीके से हो रहा है कि जब आप लोग इसको अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बेसिस सेम है, बेसिस यानी 3 और 3 बेस है, ये सेम हो गई, बेसिस सेम होती है, पावर जेड होती है, तो हाफ प्लस हाफ मेरे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि अगर आप अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ये मेरे पास इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा -3/3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 -1 हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब है मैं इस पूरे को, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाती है। तो मैं इसको इस पूरे को सॉल्व करने के बजाय मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि इन्फिनिटी आ गई, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमारे पास इसके इक्वल हो रहा है 0 के इक्वल हो रहा है। तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमेशा हमारे पास क्या होता है 90 होता है, या जिसको हम कह रहे होते हैं π/2। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया π/2 आ गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे, और चैप्टर 8 की जो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही एक्सरसाइज आ रही है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोग का MCQ सेशन और फिर फर्स्ट ईयर का भी कोर्स स्टार्ट करूँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।